हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे अपने लास्ट वीडियोस में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, और उसी का हम नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपना कंप्लीट कर लिया था ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, आई होप कि आपको सारे वीडियो मेरे अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही थी कि प्लीज हर वीडियो के बाद आप अपने उसकी प्रैक्टिस करते रहे और पुराने वाले वीडियो के साथ भी उसकी प्रैक्टिस करते रहे, ताकि आपको सारी जो रिएक्शन है वो मेमोराइज रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट आगे का नहीं पढ़ा रही हूँ। आज के वीडियो में मैं कुछ एनसीईआरटी की क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आपने जो पढ़ा है अब तक उससे किस तरह से इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, 12.4 है इंडेक्स क्वेश्चन, जिसमें आपको अरेंज करना है एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के बेस पे अरेंज करना है। और आपको क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, इथेनेल, प्रोपेनेल, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप खुद से करके देखें कि आप इसको किस तरह से ट्राई करेंगे करने का, बिकॉज हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है बहुत अच्छे से पूरे एक वीडियो में पढ़ी है। तो देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा है इसके बारे में, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो हमने बात करी थी कि करके देखिए फ्रेंड्स। अब हम बात कर रहे थे, देखिए अगर आपको याद है तो ये कार्बोनिक कार्बन का कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर मैं एल्डिहाइड के बारे में बात करूँ तो एक तरफ आ मतलब कार्बन हो सकता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। कीटोन में दोनों तरफ आर ग्रुप, इट मीन्स कार्बन के ग्रुप लगे हुए हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने दो फैक्टर्स के बारे में बात करी थी, स्टेरिलिटी और इलेक्ट्रोनिटी, ऐसा ही बात करी थी हमने। तो देखिए स्ट्रेस ये होता क्या है, ठीक है, हमारे जब ऑक्सीजन ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आता है। ये जो हमारा कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमारा कार्बन जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। इस तरह से हमने बात करी थी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर ये कार्बन हो, आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे, जैसे एक दूसरा अगर कार्बन लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी थी वो कम नहीं रहेगी, जबकि कार्बन क्योंकि ये आर जो है इसको कार्बन इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो जो हमें चाहिए था कि इसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहे ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाए, तो इसके कारण तो इसकी जो इसकी एडिशन रिएक्शन है वो कम हो पाएगी। हमने ये बात करी थी क्योंकि अगर कार्बन इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा इतना ज्यादा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तो ये रीजन था कि कार्बन जो कीटोन्स होते हैं इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, जिसके कारण ये कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इतनी नहीं रहेगी। तो एल्डिहाइड आर बेटर देन द कीटोन फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट, स्टेरिलिटी क्या होता है, यहां पर मान लीजिए मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहां भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, इसकी जगह। स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको जगह नहीं मिले इस कार्बन तक पहुंचने के लिए। तो आप कीटोन में देख रहे हैं यहाँ दोनों तरफ से बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कार्बन तक ये इजीली नहीं पहुंच पाया, जबकि एल्डिहाइड के केस में यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन है, इतना बल्कि ग्रुप नहीं है। तो जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होता जाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो कार्बन के ग्रुप लगे हो और यहाँ पर केवल एक कार्बन हो, तो ये ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा। तो इतना बल्कि ग्रुप होने के कारण न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये दो रीजन थे जिसके बेस पर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बता सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन को सबसे कम देगा। ठीक है, पहले हम इन दोनों में बात करें कि इथेनेल और प्रोपेनेल में सबसे ज्यादा कौन देगा, तो कम कार्बन वाला देगा क्योंकि इथेनेल में एक कार्बन दो कार्बन है, कम हिंड्रेंस होगा, और प्रोपेनेल में 3 कार्बन, तो सबसे कम सबसे ज्यादा इथेनेल देगा, सबसे उसके बाद है प्रोपेनेल। अब कीटोन तो सबसे कम देते ही है, लेकिन उसमें भी अगर कार्बन का ग्रुप ज्यादा होगा तो और कम देगा, तो फिर प्रोपेनॉन 3 कार्बन का है फिर ये देगा, और ब्यूटेनॉन 4th नंबर पे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, बेंज एल्डिहाइड आपको गिवन है, पैरा टोलुई एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड और एसीटो फिनोल। आप खुद से करके देखिए फ्रेंड्स कि ये आप कर पा रहे हैं या नहीं, जो जो मेन कंसेप्ट है वो वही लगेगा जो अभी हमने बात करी थी। तो देखिए बेंज एल्डिहाइड का मतलब है स्ट्रक्चर बनाओ, तो दिस इज अ बेंज एल्डिहाइड। पैरा टॉलुइन एल्डिहाइड का देखिए, ये तो आपका एल्डिहाइड है, इसके पैरा पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये CHO और फोर हो गया पैरा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, और एसिटोफिनोल तो आप जानते ही है, ये हमने बात करी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे लर्न करना। तो देखिए ये तो कीटोन है, ये तो सबसे कम देगा, बाकी सब एल्डिहाइड है, तो इनकी रिएक्टिविटी उसके कंपेयर में ज्यादा होगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं तीनों के बारे में। आप जानते हैं कि NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखिए क्या होता है, जब हम इसका रेजोनेंस करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग जो है इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है। क्लियर है, ये बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करती, तो हम तो चाह रहे थे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बनी रहे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कम कर देगी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उतना ज्यादा डेफिशिएंट नहीं रहेगा। अब ये NO2 ग्रुप क्या है, इस बेंजीन रिंग में से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, विड्रॉइंग कर रहा है, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, अपनी बात समझ रहे ना, तो इसलिए ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बनी रहेगी, तो सबसे ज्यादा आपका हो गया पैरा नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों में आइए, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ देखिए आप ये बेंजीन रिंग भी दे रहा है और ये CH3 की इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा सप्लाई करता जाएगा, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण यहाँ पे एडिशन रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक थोड़ी कम रिएक्टिविटी होगी। ये तो आपका सिंपल बेंज एल्डिहाइड है, तो सबसे ज्यादा ये नॉर्मल केस में, फिर ये उसके बाद में ये एंड देन आपका एसिटोफिनोल। तो देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, जो हमने पढ़ा है उसी को हमें अप्लाई करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम आपकी ही इंडेक्स टेक्स्ट बुक का 12.5 आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही है फ्रेंड्स, जो हमने टेबल पढ़ी थी उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ यहाँ पे, देयर आर 4 क्वेश्चंस, आपको देखते ही आपको इन सबको समझ जाना है कि देखिए कितना मजा आ जाता है जब हम इनको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, बिकॉज फिर उसके जो आनंद आता है हमारे को वो एक अलग ही है कि हमने जो चीज पढ़ी है उसको हम सॉल्व कर पाते हैं। Now, ये जो हमने टेबल पढ़ी थी स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, ये वही है, आपको अगर याद है तो हमने पढ़ा था R NH2 Z हमने पढ़ा।
अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स में यहाँ पढ़ा था, तो हमने यहाँ जेड अलग अलग लिया है, ये आपका जेड है, इसका नाम था हाइड्रोक्सिल अमाइन, अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो यहाँ से जो ये एच टू है और ओ यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड एन ओ एच, हाइड्रोक्सिल अमाइन ये था और इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं ग्रुप को, ऑक्साइड। उसी तरह से इसका नाम क्या था, 2,4-DNP, जिसे हमने डीएनपी बोला था, तो 2,4-DNP ये हमारा ग्रुप था, ठीक है। ये आपका NH2 और ये पूरा आपका जेड है, तो NH2 का H2 हटा ले, ये ना वही डबल बॉन्ड N और ये पूरा ग्रुप आप इस पे लिखिए, देखिए ये डबल बॉन्ड N और ये पूरा ग्रुप आ जाएगा इस पर NO2 और ये आपका NO2, ठीक है। यहाँ पे भी वही, इसका नाम था सेमी कार्बेजाइड, अगर आपको याद आ रहा है तो सेमी कार्बेजाइड, तो इसमें भी वही आपको ये डबल बॉन्ड जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कीटोन से होगी ओ, ये आपका H2 है, इथाइल अमाइन ये ग्रुप है, तो देखिए सारी रिएक्शंस कितनी सिंपल है फ्रेंड्स, ये CH3 जो उसका CH3 में लिख देती हूँ, डबल बॉन्ड एन CH2 CH3, तो देखिए कितनी सिंपली से आपका एक क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो गया है, आपको भी अच्छा लगा होगा ये करना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कितने इजीली दो क्वेश्चन आपके पूरे सॉल्व हो गए हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 12.19, एग्जाम में भी आ सकता है। कार्बन की परसेंटेज गिवन है 69.77%, हाइड्रोजन की गिवन है 11.63% और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन, ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है वो गिवन है 86। 11th क्लास में चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का परसेंट निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करें, ठीक है, और उसको 100 में से माइनस करें, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपके पास ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया 18.60%, क्लियर है। अब ये आपके पास परसेंट आ गया है, अब हम क्या करते हैं, आप लिखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन है आपके पास 69.77, 11.63, 18.60, आप उनको क्या करें उनके मोल्स में कन्वर्ट करें, मोल्स में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा जाता है। अगर आपको मोल्स का फॉर्मूला पता है तो क्या होता है मोल्स का फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल निकालेगा, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया आपने, कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये तो आपके पास आ गया है करीब करीब 5.81, ये आपके पास वही 11.63, और जब इसको सॉल्व किया तो आया 1.16 मोल्स निकाल। अब जो सबसे छोटी डिजिट है फ्रेंड्स उससे आपको डिवाइड करना है, सिंपली फॉर्म में करना है, जो सबसे छोटी डिजिट ये है, इसकी तरीका है एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, ये आ जाएगा अराउंड अराउंड 5 और ये आ जाएगा अराउंड अराउंड 10। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपने इनको परसेंटेज जो है उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास,
देन आपने जो सबसे छोटे डिजिट आई है सबको सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप उसको होल नंबर में फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ देखिए कार्बन आपके पास 5 आ गए, हाइड्रोजन 10 आ गया है और ऑक्सीजन 1। तो दिस इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर इसका फॉर्मूले का मास निकाल लेते हैं हम, 12 × 5 + 10 + 16 = 86। और वही आपका मॉलिक्यूलर मास है, इट मीन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो दोनों सेम। यहां तक क्लियर है? आप एक बार जल्दी से कॉपी कर लें फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारा फॉर्मूला आया C5H10O। एक ऑक्सीजन आयन है, इसका मतलब ये एल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और आपका कीटोन भी हो सकता है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, अभी कह रहा है कि इट डज नॉट रिड्यूस टोलुइन्स रिएक्शन, इट मीन्स ये एल्डिहाइड नहीं, ठीक है। बट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन पड़ी थी कीटोन और एल्डिहाइड देती है, और एल्डिहाइड टॉलरेंस आपको पता है कि टॉलरेंस रीजन को रिएक्ट करता है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इट मींस ये क्या हुआ आपका कीटोन, ठीक है। और आयोडोफॉर्म भी देता है, तो स्ट्रेट कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप ये रहा। आयोडोफॉर्म में पता है कि आपके पास एक CH3 होना ही होना चाहिए, तो दो कार्बन बचे, कितने कार्बन 3, हाइड्रोजन लगाए 7 और 3 10 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन, दिस इज द फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। और ये क्या कह रहा है, जब आप इसको ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको पता है क्या होगा ऑक्सीडेशन करने पर, या तो यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, और या यहां से होगा, तो इसने यहां से ब्रेक करवाया, क्या क्या बना ऑक्सीडेशन से, CH3COOH, इथेनॉइक एसिड और 3 कार्बन का CH3CH2COOH, प्रोपेनॉइक एसिड, दो तरफ से ब्रेक हो सकता है, यहां से भी और यहां से भी, इसने यहां से करवाया है तो ये दो कंपाउंड हुए। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन कितना मजा आया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बनाने का एम मेरा बस आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है स्टूडेंट्स, ताकि आप जो है अपनी नॉलेज जो आप सीख रहे हैं डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें कि क्या ये आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और नहीं हो पा रहा है तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना, ट्राई एंड ट्राई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12.8। इस बार हम इथेनॉल को हमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर रही हूं ब्यूटेन 1.3 डाई ऑल, 2 कार्बन का इथेनॉल दे दिया स्टूडेंट्स और आपको 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 2 कार्बन से 4 कार्बन आप एल्डोल करवा सकते हैं, ठीक है। एल्डोल से क्या होता है कि डबल हो जाता है कार्बन, यहां देखिए हो गए ना, 2 रिएक्ट करते हैं आपस में। आपको मैं बता दूं आपस से, यहां पे जो अल्फा कार्बन है उसका एक एच एच प्लस के फॉर्म में निकलता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, कौन सा जाता है नेगेटिव। तो इसी आपकी इसी चैप्टर की नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है कि ये किसकी तरह बिहेव करता है, नेगेटिव है, इट मीन ये कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह, यहां देखिए इस कार्बन में पॉजिटिव आया तो ये कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फिर देखिए क्या होता है,
ये CH3, ये C, ये H जो है इस O से जुड़ जाएगा, इसका H, और इस CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, अब हमें बनाना है डाइसॉल। आपको पता है एल्डिहाइड जो है इसका रिडक्शन करवा दीजिए। एल्डिहाइड का रिडक्शन से क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। एक ऑल तो है ही, दूसरा भी कर दीजिए, ये लीजिए। और रिडक्शन किसके वजह से होता है? NaDH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या फिर आप इसी जगह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इथेनॉल से आपको ब्यूट टू इमेज बनाना है, वही कार्बन बढ़ाने हैं। ठीक है, एल एल्डिहाइड एडिटिव रखना है लेकिन डबल बॉन्ड भी आना है। तो आपको बताइए इस रिएक्शन का कंडेंसेशन करवा दीजिए, हीट करवा दीजिए। यहां से एक एच निकलेगा, क्या हो गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाम देखिए, ब्यूट टू इमेज, उसी रिएक्शन से हमने कर दिया ये, है ना सिंपल। आइए थर्ड रिएक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। इस पर क्या कह रहा है ये? ब्यूट टू इनोइक एसिड बनाना है। ब्यूट टू इनोइक एसिड बनाना है, मतलब इन भी लाना है और ओइक भी लाना है। इन मतलब डबल बॉन्ड, तो वही 35 का कंडेंसेशन करवा दीजिए, इट मींस हीट कर दें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो डबल बॉन्ड आ गया। अब आपको एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन करना है। आपको पता है ऑक्सीडेशन कैसे होता है? टॉलरेंस रिएजेंट ले लीजिए, फैलिंग्स ले लीजिए, ऑक्सीडेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHCOOH। तो देखिए एक ही रिएक्शन से हमने तीन कन्वर्जन कर लिए हैं, है ना सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और फॉलो कर लेते हैं ताकि आपको ये लगे कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। 12.9 राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ फोर पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। प्रोपेनॉल लिया है आपने, प्लस ब्यूटेनॉल लिया है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल और कौन इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करता है। देखिए हमने बात कर ली थी, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड आपने ले लिए हैं तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, दो सेल्स के और दो क्रॉस। तो पहले हम सेल्फ कर लेते हैं, सेल्फ एल्डोल मींस प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल्स। आइए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, कार्बोनेट के अल्फा कार्बन का एक एच प्लस फॉर्म में चला जाता है, तो ये बना माइनस, और ये प्लस प्लस है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, क्या होगा? ये एच इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, CH3 CH2 COH, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ जाएगा और इस कार्बन का CH3 ऊपर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट में जब आप हीट करेंगे तो इसका हाइड्रोजन और ये अलग हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2, और आपका जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए ब्यूटेन इसका नेम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 5 कार्बन पेंट, 2 पे ईन है और 1 पे एल है।
ब्यूटेनरी, ये ब्यूटेनल है, इसका ब्यूटेनल से ही करवाते हैं, ठीक है। इसमें वही ये माइनस और ये प्लस, अल्फा हाइड्रोजन का एक एच हटेगा, प्लस की फॉर्म में तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको बताया है रिएक्शन किसमें होती है, वैल्यू NaOH के डिफरेंस पर, दोनों ही। तो देखिए CH3 CH2 CH2, इस C से OH जुड़ गया और इसका H और इस कार्बन, ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ गया CH CH2 CH3 और CH। हीट करें, यहां पर इसका H निकल जाएगा और ये OH क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड C और इससे जुड़ गया CH2 CH3 CH। जो नाम देखिए, 2 इथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्स 2-ene, 2 इथाइल हेक्स 2-ene। तो आप बता सकते हैं कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है। जिस कार्बन में नेगेटिव है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है और जिस कार्बन पॉजिटिव है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो कितना सिंपल है देखिए। आइए अब हम क्रॉस एल्डोल कर लेते हैं, क्रॉस एल्डोल, इस बार हम प्रोपेनल और ब्यूटेनल की करवाते हैं। ये आपका प्रोपेनल, इसको इस तरह से लिख दें, ये आपका ब्यूटेनल, ठीक है। इसका अल्फा एच हटाओ, इस पे माइनस, इस पे प्लस, दिस इज द न्यूक्लियो, दिस इज द माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड। और दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। आइए CH3 CH2, ये ऑक्सीजन पे एच, इस कार्बन के साथ ये CH आएगा CHO और ये CH2 CH3। हीट कर दें, वाटर निकल जाएगा, बताइए क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CHO। नाम बताइए, 2 इथाइल पेंट 2-ene, 2 इथाइल पेंट 2-enol, ठीक है। आइए ब्यूटेनल का प्रोपेनल से कर लिया, इसे क्लीन कर देते हैं। ब्यूटेनल का प्रोपेनल CH2 CH2 CHO। अब आपको क्रॉस एल्डोल बहुत सिंपल लग रहा होगा स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। इसका एक एच निकलेगा प्लस फॉर्म में, इससे आ गया माइनस। आइए डाइल्यूट NaOH, CH3 CH2 CH2, इस ऑक्सीजन पे ये एच आ जाएगा और इस कार्बन को इस कार्बन से कनेक्ट कर देते हैं। हीट करिए, ये हाइड्रोजन इसके साथ भाग जाएगा और हो गया है CA डबल बॉन्ड C CH3 CHO। 2 मिथाइल हेक्स 2-enol, माइनस एच के ऊपर न्यूक्लियोफाइल, प्लस एच के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए आप कितनी सिंपली से बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, कितनी सिंपल हो गई है। यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन हमने जो पढ़ी थी, हमने पढ़ा था जिसके पास
अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे आपका हो गया है मिथेनल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, आपका बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये सब चले जाओ देखते हैं। याद रखिएगा कीटोन्स जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो भी नहीं देंगे, इसका रीजन देखें, ये कीटोन है, मान लीजिए इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे भी एक कार्बन, इसके हमने यहाँ पे इसको इस कार्बन को इस तरह से बना दिया कि इनके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये कैनिजारो देगा, बताइए कैनिजारो नहीं देगा, क्यों फ्रेंड, क्योंकि कैनिजारो में क्या होता है, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन, अगर KOH की वजह से ले रहे तो HCO होंगे, और एक कार्बन का रिडक्शन होता है, इस कार्बन का रिडक्शन होके OH तो लग सकता है, लेकिन इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होके OH कैसे लगेगा, इसकी तो पांच वैलेंसी हो जाएगी, इसलिए ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो भी कैनिजारो नहीं देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हर वीडियो को देखकर प्रैक्टिस जरूर करें, और मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।